12 घंटे के अंदर बिग बॉस के फाइनल के लिए जो वोटिंग की गई अपने अपने मनपसंद खिलाड़ी को जिताने के लिए, मतलब रिकॉर्ड तोड़, इतनी सारी वोटिंग की गई कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिर्फ 12 घंटे के अंदर जो वोटिंग के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे, किसको कितने सारे वोट मिले, मैं आपसे भी थोड़ा बताने वाला, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 12 घंटे के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ 12 घंटे के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं वोटिंग के, इतने सारे वोट की पब्लिक ने अपने अपने मनपसंद खिलाड़ी को। जैसा कि आप सुनो कि बिग बॉस में टॉप 5 खिलाड़ी आ चुके हैं और उनके लिए वोटिंग खुल चुकी है। जैसा कि आप सुनो बेबिका, मनीषा रानी, पूंजा भट्ट, फुकरा इंसान और इलवीश यादव, इनके लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन ऐसे में जो इनको वोट मिले सिर्फ 12 घंटे के अंदर, वो देखने के बाद तो आपके होश उड़ जाएंगे। और फुकरा इंसान को, इलवीश यादव के वोट देखने के बाद आपके सारे होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनको इतनी सारी वोटिंग हुई, एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपसे बताने वाला अभी कितने परसेंट किसको वोट मिले और कौन कितने नंबर पर है और किसको कितने कितने वोट मिले, तो आप सभी को मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को सारी लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, किसको कितने वोट मिल रहे आप सभी को यहीं पता चलेगा और सारी बिग बॉस की इन्फॉर्मेशन यहीं पता चलेगा। तो उससे पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आप सभी को फटाफट बता देता कि आखिर टॉप 5 के अंदर कौन आखिरी पे, कौन पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे कौन है, आप सभी को डिटेल के साथ बता दो। किसको कितने वोट मिले वो भी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले बता दूँ जो सबसे कम मेरे जो लास्ट नंबर पर है वो बेबी का, जब मैंने आपसे भी मेरे पिछले वीडियो में बताया था, कल बताया था बेबी का को सबसे कम वोट मिले। ऐसे में आपसे बता दो अभी तक जो बेबी का को वोट मिले है वो सिर्फ 58,000, मतलब सिर्फ और सिर्फ 58,000 वोट मिले, 2% वोट, मतलब 100 में से सिर्फ 2% वोट मिल रहे हैं बेबी का को। और जो चौथे नंबर पे जो वोटिंग मिल रही है तो वह है पूंजा भट्ट, पूंजा भट्ट को 4% वोट मिले, समझ लो 1,00,000 के करीब उनको वोट मिले सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर। लेकिन इससे में अगर आप बात करेंगे मनीषा रानी की, तो मनीषा रानी को मैं आपसे बता रहा हूँ तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब अच्छा, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। आपसे बता दूं मनीषा रानी तीसरे पर और मनीषा रानी को 5,60,000 वोट मिल चुके, मतलब 5,60,000 वोट मिल चुके, वही 19% वोट मिल रहे 100 में से, मतलब अच्छे खासे वोट, अच्छे खासा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और बाहर आने के बाद उनका जलवा जलवा रहने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करेंगे दूसरे नंबर की तो कड़ी टक्कर है भाई, मतलब एकदम कड़ी टक्कर दे रहे फुकरा इंसान और इलवीश यादव एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे। तो आपसे बता दूँ दूसरे नंबर पर है फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलन, उनको आपसे बता दूँ 1.4 मिलियन यानी कि 14,00,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके 12 घंटे के अंदर, वो भी 35% 100 में से वोट मिल चुके, जो कि अपने में बड़ा आंकड़ा। और इसी के साथ आप सभी समझ गए होंगे पहले नंबर पे कौन है, इलवीश यादव। इलवीश यादव पहले नंबर पे जिनको 1.6 मिलियन यानी कि 16,00,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके, वो भी 40% वोट, मतलब 100 में से 40% उनको वोट मिल चुके, जो कि अपने में बड़ी बात है कि इतने सारे वोट 16,00,000 और ज़्यादा अंतर नहीं, 1-2 लाख का अंतर है। मतलब फुकरा इंसान के फैन भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और इलवीश यादव के फैन भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे, कड़ी टक्कर है, मतलब कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं आप सब दादू दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है आखिरी तक के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब दोनों भी यूट्यूबर है और दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में आप सोचता हूँ कि भी हर जगह सिस्टम चालू है, लेकिन फुकरा इंसान भी मतलब कोई मामूली टक्कर नहीं दे, अच्छी टक्कर दे रहे। तो गाइस ये थे अभी के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, जो कि अभी फाइनल के लिए जो वोटिंग की जा रही है सिर्फ 12 घंटे के अंदर इतनी सारी वोटिंग की गई, एक रिपोर्ट के हिसाब से आप सभी को दिख ही रहूँगा। लेकिन इसी बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने वोट किया हो तो किसे किया, या आप किसे करने वाले और आप किसे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, उतना फैलाइए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे।